Hello, good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Today we discuss on the input output device. ये लूसेंट की बुक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, तो जितने भी MCQ बनते हैं रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस तो वो सब हम डिस्कस करने वाले, और जितने भी प्रीवियस ईयर में MCQ आए वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ CC और O लेवल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के बाद आप जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो वो सब आप सोल्व कर पाओगे। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। पहले MCQ स्टोर करने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा डाला जाता है हम वो किसके थ्रू डालते हैं, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जाता है। फिर उस डेटा पर क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट शो होते हैं वो कौन शो करता है, वो आउटपुट डिवाइस करते हैं। तो इनपुट क्या है, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने का काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर का जो डेटा का रिजल्ट है वो कौन शो करता है, आउटपुट डिवाइस। तो इसके कुछ उदाहरण भी होते होंगे, जैसे हम कीबोर्ड से ही डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। आउटपुट में क्या होगा, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस काम कैसे करते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा डाला जाता है, तो इनपुट डिवाइस उस डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब है कि जो कंप्यूटर समझता है, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है जिसके जो 0-1 की फॉर्म में होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये डेटा की प्रोसेस होती है कि क्या काम करना है, प्रोसेस के बाद उसका रिजल्ट आउटपुट पे शो होता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो ह्यूमन बींग्स मतलब मशीन कोड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो हमें समझ आ जाए उसमें कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसका रिजल्ट उस पर दिखा देता है। ये प्रोसेस इतनी विद इन सेकेंड होती है कि हमें लगता है कि जैसे ही हमने टाइप किया तभी हमारा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस होती है। तो आपको समझ आ गया होगा इनपुट आउटपुट वाइस वर्सा होते हैं। तो इनपुट क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, और आउटपुट क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करते हैं, और रिजल्ट शो करने का काम करते हैं, और ये डेटा उसके अंदर डेटा को डालने का काम करते हैं, इनपुट देने का काम करते हैं। समझ आ गया, आप चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, तो इनमें से दो आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो फर्स्ट है मॉनिटर और प्रिंटर, तो ये करेक्ट है। मॉनिटर और प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर रिजल्ट शो करता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी शो करने के लिए करता है। विंडो 2000 क्या होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। सीडी होती है एक स्टोरेज डिवाइस, ये सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है, तो इसमें से ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक। तो इसने पूछा कि जैसे माउस है हमारा, तो माउस पे क्या होता है, माउस पे 3 बटन बने होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रोल बटन। तो इसने पूछा कि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, तो हमेशा जो लेफ़्ट बटन है उसको तो सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करनी है तो लेफ़्ट बटन यूज़ करेंगे। तो राइट बटन किस लिए यूज़ किया जाता है, एक पॉपअप मेन्यू खुलता है जिससे उसके ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसने पूछा कि प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो कौन सा क्लिक करेंगे, तो माउस का राइट बटन यूज़ करेंगे, तो इसका राइट क्लिक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जांपल है, तो ये होता है प्रिंटर का। तो ये प्रिंटर पे आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। तो ये डॉट मैट्रिक्स है जो इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण होता है। तो इसमें से स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस, माउस और कीबोर्ड भी इसमें से आउटपुट डिवाइस भी सिर्फ प्रिंटर, और ये डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंटर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टैब की क्या होती है, टैब की इस तरीके से होती है, तो टैब की कीबोर्ड पे तो इसको प्रेस करते हैं, तो इसमें स्पेसिंग दी जाती है कि 5 इंच पे जाएगी, तो प्रेस करते ही ये यहाँ पे चला जाएगा कर्सर, फिर इस पे, फिर इस पे। और एक्शन में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल पर हम टैब के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देखेंगे, तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए नो, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए ये करेक्ट है बी, तो इसका कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए नहीं, तो इसका मेन जो इसमें है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है, टेक्स्ट की पंक्ति को आरंभ में ले जाने के लिए कौन सी की, मतलब कि जो ये टेक्स्ट है हमारा इसके यहाँ हमें फर्स्ट में आना है, तो उसके लिए हमें कौन सी कीबोर्ड की प्रेस करनी है वो पूछा गया है। तो इसके लिए कौन सी की प्रेस की जाती है, तो होम की प्रेस करते हैं। जो कीबोर्ड पे होम लिखा होता है होम की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे कर्सर हमारा फर्स्ट में चला जाएगा। तो नेक्स्ट है डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो इसमें से पूछा जो ज़्यादातर यूज किया जाता है मेनली पीसी में, जो जिसने भी पर्सनल कंप्यूटर उसमें कौन सा इनपुट आउटपुट है, तो वो कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो माइक्रोफोन प्रिंटर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट है तो ये तो होगा नहीं। फिर स्कैनर और मोनीटर, स्कैनर इनपुट है मोनीटर आउटपुट है तो ये भी नहीं होगा। डिजिटल कैमरा और स्पीकर, तो इसमें से एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस है और यही इसका आंसर होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर की जो भी सूचनाएं और आउटपुट है तो मोस्टली वो किस में देखी जाती है, तो मोनीटर पर देखी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मोनीटर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार माउस का है, तो माउस अलग अलग तरह के होते हैं, तो माउस ऑप्टिकल मैकेनिकल दो टाइप के माउस होते हैं, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है मैकेनिकल जर्नल, तो ये तो नहीं होगा, मैकेनिकल ठीक है लेकिन जर्नल इसका गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। ऑप्टिकल मैकेनिकल भी करेक्ट है क्योंकि जो माउस है वो ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो तरह के होते हैं। तो कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी है, कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती है, इनका अपना अपना काम होता है। जैसे F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, F2 प्रेस करेंगे तो सेव डायलॉग खुल जाएगा, तो इनका अपना अपना काम होता है। F5 प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश के लिए यूज़ करते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है F1 से F12 तक, मतलब 12 इनकी संख्या होती है, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश में प्रिंटर हेड और कागज़ की संपर्क होता है, तो इसने पूछा प्रिंटर हेड और कागज़, प्रिंटर के हेड होते हैं और उसमें कागज़ यूज़ किया जाता है, तो कौन सा प्रिंटर उस पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस पर इम्पैक्ट, क्योंकि ऐसे प्रेस करके जो काम किया जाता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रिंटर के कुछ ऑप्शन में दिक्कत आ रही है तो आप प्रिंटर की वहाँ वीडियो देख सकते हो, उसको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो ये भी क्या है एक स्ट्रोक में एक ही प्रिंटर प्रिंट करेगा तो वो डॉट मैट्रिक्स होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही मतलब प्रिंट करेगा तो वो एक ही अक्षर प्रिंट करेगा, तो वो प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज के टाइम पे लेजर प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं कि पूरे का पूरा पेज प्रिंट होकर आ जाता है, तो वो लेजर प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक टाइम पे एक ही लाइन को प्रिंट करने का काम करता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिर्फ एक जो स्टोक है उसको प्रिंट करने का, एक ही अक्षर को प्रिंट करने का काम करता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट पूछा गया है तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जो गेम वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप तो एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है मोनीटर, मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है, और मैग्नेटिक डिस्क भी क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क का काम भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ये स्टोरेज करने का काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर भी डेटा को स्टोर किया जाता है, तो इसलिए इनको भी इनपुट डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं। कीबोर्ड में कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है, कीबोर्ड का क्या काम है, तो इनपुट करना, टाइप करना, छापना, उपयोग सभी, तो ये सभी काम है, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, तो डिस्क का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जाता है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कीबोर्ड की बोर्ड में एफ के प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, तो जो कीबोर्ड में पे एफ़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये फंक्शनल की दोबारा पूछ ली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 की, तो हमने अभी डिस्कस भी किया है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन सा उच्चतम गुण वाली आउटपुट प्रदान करता है, तो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, एक या दो, तो इसमें पूछा गया है कि जब हम कंप्यूटर की आउटपुट निकालते हैं तो सबसे बेस्ट इसमें से आउटपुट कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा
प्लॉटर, तो सबसे अच्छा जो प्रिंट होके आता है हार्ड कॉपी वो प्लॉटर के ऊपर आता है, तो इसका प्लॉटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, तो ये प्रिंटर के ही उदाहरण है। नेक्स्ट, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने ऑपरेटर जो कोई काम कर रहा है तो वो किस में दिखाई देते हैं, तो वीडियो, वीडियो क्या होता है, वीडियो होता है मॉनिटर, मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं, VDU, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर है इनमें निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट का माध्यम है, तो आउटपुट कौन सा है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, डगलसन सी इंजेवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था, तो जो डगलस सी इंजेवर्ट है इसने माउस को डिस्कवर किया था, तो माउस को कब डिस्कवर किया था ये पूछा गया, तो माउस को डिस्कवर किया गया था 1970 में, तो 1970 में इसका आविष्कार किया गया था। अंकीय कोण डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर को इनपुट करने का कौन सा साधन है, तो इसने पूछा जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाला जाता है अंकों के थ्रू, तो किसके थ्रू डाला जाता है, तो वो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर डिजिटल फॉर्म में मतलब जो पेज आया उसको ऐसे कैसा इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर किसके कितने प्रकार का होता है, तो प्रिंटर दो प्रकार का होता है मेनली, इनपुट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, इसने क्या पूछा है इसमें पूछा गया कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की में से पढ़े जाने वाले अलग अलग ऊंचाई चौड़ाई वाली लाइनों वाले कोड को क्या बोलते हैं, वो होते हैं अलग अलग जो कोड है कंप्यूटर के अंदर उसको पढ़ने के लिए इसमें से किसका यूज़ किया जाता है, तो वो होते हैं MICR का यूज़ करते हैं, तो इसमें से इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी क्या पूछा इसने, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली लाइनों को क्या कहते हैं, जो लाइनें पढ़ी जाती है कंप्यूटर के अंदर तो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है OCR, OCR के अंदर लाइन की जो चौड़ाई है उसको पढ़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। OCR का होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चित्र छाप सकता है, तो लाइन प्रिंटर पूछा, लाइन प्रिंटर एक मिनट में 200 से 2000 तक, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 200 से लेके 2000 तक जिन्हें छाप सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, तो करेक्टर प्रिंटर पूछा, करेक्टर प्रिंटर क्या है, एक टाइम पे एक करेक्टर को प्रिंटर करते हैं, तो इसके लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स एक टाइम पे एक उसको इम्पैक्ट करने का काम करता है एक करेक्टर को, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्या है, स्कैनर का उपयोग निम्नलिखित में किस मशीन से मिलता है, तो स्कैनर के सिमिलर क्या होता है, फोटोकॉपियर जो होता है वो स्कैनर की तरह काम करता है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, तो एरो के चार बटन होते हैं, जैसे कीबोर्ड पे ऐसे चार एरो बनी होती है लेफ्ट राइट, इनको नेविगेटर की भी बोलते हैं, तो ये चार होती है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूपी कीबोर्डों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, तो वर्तमान में जो कीबोर्ड है उनमें कुछ चेंज किया गया है, तो कितने चेंज किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, जो माउस पैड बोलते हैं उसको, माउस जिस पे चलते हैं तो उसको माउस पैड बोला जाता है, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आउटपुट डिवाइस कौन सा, तो इनमें से आउटपुट पूछा है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, इन सी माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो ये नहीं होगा, ए और बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। डेटा किस रूप में हो सकता है, डेटा अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, तो इसका ई होगा, क्योंकि डेटा हम वॉइस के थ्रू भी डाल सकते हैं, या कोई लिख के कीबोर्ड से वो भी डाल सकते हैं, या स्पीकर से बोल के भी डाल सकते हैं माइक्रोफोन से, तो इसका ये होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर द्वारा मानव का संपर्क के डेस्क के द्वारा होता है, कंप्यूटर मानव का संपर्क किसके थ्रू होता है, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही होता है, क्योंकि इनपुट हम डाल सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है, तो निवेश मतलब जो इसके अंदर निवेश होता है उसमें कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश माध्यम इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? जैसे माउस काम करता है ऐसे एक ट्रैक बाल होती है, तो ट्रैक बाल भी माउस की तरह ही काम करती है, ट्रैक बाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट पूछा गया है तो वीडियो नहीं है, वीडियो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, वीडियो मॉनिटर को बोलते हैं, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। माउस का कौन सा बटन सामान्य ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? ओके के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? लेफ्ट बटन इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी इसका लेफ्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा इनकी होती है, तो लेजर प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एलसीडी का पूरा नाम, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो एलसीडी हम घरों में यूज करते हैं या मॉनिटर की अब वीडियो की बजाय एलसीडी यूज करते हैं, एलईडी और एलसीडी यूज की जाती है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में डेस्क के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला किसके थ्रू डाला जाता है? तो वो होता है कीबोर्ड के थ्रू, तो इसका कीबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना, तो डेटा देखना या प्रिंट करना इनका काम होता है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी कौन प्रिंट करता है? हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट की जाती है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, तो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस को केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? तो इनपुट डिवाइस तो माउस कीबोर्ड मॉनिटर, इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाए। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, तो प्रिंटर आउटपुट है, ये भी नहीं सही है। माउस कीबोर्ड प्लॉटर, ये इसका सही है, तो इसका सी करेक्ट है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि प्लॉटर तो प्रिंटर की तरह काम करता है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, ये इसका डी इज द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि माउस और कीबोर्ड और स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं मैं किस समय में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट पूछ ही रखे हैं, तो स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, तो इसमें स्कैनर इनपुट है, ये नहीं होगा। कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर कीबोर्ड इनपुट है, ये नहीं होगा। माउस प्रिंटर मॉनिटर माउस इनपुट है, तो ये इसलिए नहीं होगा। प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश बोला जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा एंटर करते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी में डेटा को डाला गया प्रदर्शित करने का काम कौन करते हैं? तो वो मॉनिटर करते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? तो डायरेक्शनल के लिए तो एरो की प्रेस की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्कैनर डैश स्कैन करता है, तो स्कैनर क्या करता है? पिक्चर को टेक्स्ट को किसी भी तरीके के, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। डैश से गेम खेलना आसान होता है, तो जॉयस्टिक इसका आंसर होगा, क्योंकि जॉयस्टिक को वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी भी क्या होती है? एक प्रिंटर आउटपुट होती है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रिंटर आउटपुट होती है फिजिकली, जिसको टच कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रिंटर आउटपुट इसका होगा। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की को डैश की बोलते हैं, तो ये कौन सी की होती है? इनको फंक्शन की तो हमारी जैसे हमने पढ़ा है F1 से लेके F12 जो की होती है उनको फंक्शनल की बोला जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल की कौन सी होती है? जिसपे अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक नंबर होते हैं। एडजस्टमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडिफायर, तो ये मॉडिफायर है, मतलब इनका फंक्शन को यूज़ किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस A प्रेस करके हम ओल्ट प्लस A प्रेस करके डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस C करके कॉपी कर सकते हैं, तो इनका मॉडिफायर की बोला जाता है। अधिकांश प्रोडक्शन प्रिंटर लाइनों को पैटर्न को डैश कहते हैं, तो प्रोडक्शन में जो यूज़ की जाती है तो वो बार कोड यूज़ होते हैं। बार कोड में जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई पेन है तो ऐसे ऐसे लाइनें लगी होती है, तो इनको बार कोड बोलते हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक MICR, तो सी की फुल फॉर्म पूछा है, तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनाइज, तो सी मतलब करेक्टर होता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट को शो करने का काम करता है, तो इसका आउटपुट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कम्बिनेशन में कार्य करती है? तो ये कौन सी होती है? एरो फंक्शन की, कंट्रोल की, तो इसका मॉडिफायर की होती है जो दूसरी कुंजी के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी कर देगा, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे कट कर देगा, कंट्रोल वी करेंगे तो इसको पेस्ट कर देगा, तो ये कंट्रोल की इसका करेक्ट आंसर होगा। डैश प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और इनका उपयोग वीडियो फायरिंग, वीडियो चैटिंग और तो इसका वेब कैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेब कैम के थ्रू ये सब होते हैं। OCR का पूरा नाम पूछो। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इन फॉर्मेटिव में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन से डिवाइस को प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिक के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो वो ग्राफिक में यूज़ करते हैं ट्रैक बॉल, तो इसका ट्रैक बॉल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका माउस ग्राफिक्स के लिए वैसे माउस मेनली यूज़ करते हैं पीसी में, तो इसका माउस करेक्ट आंसर होगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियो में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट है, क्योंकि टच स्क्रीन के थ्रू जैसे मोबाइल होते हैं हमारे तो इनपुट दे सकते हैं ना, फिंगर के थ्रू हम टच स्क्रीन में डेटा को डालते हैं। माउस डैश सामान्य औरों के आकार में दिखाई देते हैं, तो माउस कैसा होता है, किस आकार में दिखाई देते हैं? तो माउस का जो एरो होता है वो कर्सर की फॉर्म में ऐसे पॉइंटिंग इस तरीके से दिखाई देते हैं, तो जो एरो का आकार में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से पॉइंटर, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्सर या पॉइंटर बोलते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस, तो हम पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? तो इसमें से डिजिटल पूछे गए हैं, तो डिजिटल कैमकॉर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, तो इनपुट डिवाइस पूछे, माइक्रोफोन भी, स्कैनर भी, तो ये सभी, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट करता है, तो चेक जो यूज़ किया जाता है, तो चेक पे क्या होता है, MICR होता है, तो ये डेटा को स्कैन करने का काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोर्स डाटा ऑप्टिमाइज, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन स्टोरेज को इरेज कर देती है? तो इरेज करने का काम कौन करती है? डिजिटल की, डिलीट की है जो, वो डिलीट करने का काम करती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या उसको सेलेक्ट करना है, तो माउस का प्रयोग करते हैं, माउस के थ्रू उसको सेलेक्ट और हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह उसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है, क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री वाई अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो उसने पूछा है कि एक्स को ये है जो उसके पास प्रिंटर नहीं है, तो उसको वाई के कंप्यूटर में प्रिंटर कराना है, तो वो कैसे प्रिंट कर सकता है, तो ये पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क ही हो जाएगा, हार्ड ड्राइव नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क के थ्रू वो उसको दूसरे में इसमें स्टोर करके दूसरी उसमें भेज सकते हैं, तो इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? जो इनपुट जो बार बार हार्डवेयर में का पार्ट है, जो बार बार यूज़ किया जाता है, तो वो क्या होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि क्या क्वेश्चन था, कीबोर्ड, तो क्या है इसमें, कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनपुट में बार बार हार्डवेयर जो जिसको फ्लॉपी डिस्क नहीं है, कर्सर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो इसका कीबोर्ड ही एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डेस्क को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, तो इसका होगा कि किसको हम मॉनिटर या स्क्रीन बोलते हैं, तो डिस्प्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्ले को हम स्क्रीन या मॉनिटर भी बोलते हैं, तो इसका ई करेक्ट हो जाएगा।
ट्रैक बॉल एक उदाहरण, ट्रैक बॉल क्या होता है, एक माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस है। तो देख लेते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस है क्योंकि माउस और ट्रैक बॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डेस्क का यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने तो माउस जैसे इनपुट डिवाइस। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। माउस के बाएं बटन का क्लिक करने के लिए क्या दिखाई देता है, तो उसकी प्रॉपर्टी शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए, एक विशेष मेन्यू खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनमें से बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है, तो ये कौन सी क्यू की होती है, ये मॉडिफायर होती है, तो इसका मॉडिफायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस तरह के वर्क में कीबोर्ड शामिल होता है, तो कीबोर्ड किस में शामिल किया जाता है, आउटपुट इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, इनपुट जो है वो कीबोर्ड का एग्जांपल है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा का रिजल्ट शो करते हैं। तो डेटा इनपुट करते हैं नहीं, डेटा स्टोर करते हैं नहीं, डेटा स्कैन करते हैं नहीं ही, डेटा व्यू और प्रिंट करते हैं, ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्नलिखित में कौन डाल सकता है, तो ग्राफिकल जो इमेज और पिक्चर है वो कौन डालते हैं, तो वो डालने का काम स्कैनर करता है। ग्राफिकल जो होती है उनको पिक्चर को डालने का काम, क्योंकि इसके थ्रू हम स्कैन करके डाल सकते हैं, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मतलब कि जो हमारा ये कर्सर है, तो बाईं ओर को ये है, तो इसको प्रेस करने के लिए कौन सा कर्सर यूज़ किया जाता है, तो इसमें पूछा है तो बैक स्पेस यूज़ करते हैं। तो बैक स्पेस जब हम दबाते हैं तो इधर के जितना भी डेटा है उसको इरेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगी तो ये यहाँ से डेटा को डिलीट करना शुरू हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट प्रेस करते हैं तो उधर का डेटा डिलीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, बैक स्पेस आएगा, जो बाएँ के बजाय दाएँ पूछा होता है, तो डिलीट इसका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जिससे हम जल्दी टाइप कर सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, कौन सी की प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड से हम जल्दी टाइप कर सकते हैं। डेस्क का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिंटर होगा, क्योंकि हाथ से लिखा जाता है और डिजिटल इमेज के लिए किया जाता है, तो कीबोर्ड। तो इसका 77 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे मुद्रित टेक्स्ट को, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैनर करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो वो है उसको सीधा स्कैन करके मेमोरी के अंदर डाल देता है, तो इसका स्कैनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो जो मॉनिटर है उस पर जो आकार है उसको किस में मापा जाता है, जो उसके अंदर केंद्र के जो बिंदु होते हैं ना उनके थ्रू उसको मापा जाता है, तो डायगोनलिक। देखो जैसे माउस, ये स्क्रीन मान लेते हैं हम, जो हमारी ये स्क्रीन है, तो इसको कैसे मापा जाता है, तो उस पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिक्सल बने होते हैं, तो पिक्सल की फॉर्म में मॉनिटर की ये जो डिस्प्ले आकार है उसको डायगोनली बोला जाता है, इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो इसमें जो ये होता है रेजुलेशन पूछी जाए, तो ये पिक्सल पे डिपेंड करती है, जो ये डॉट 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 से ऐसे बन के इनसे पिक्सल से रेजुलेशन बनती है, तो मॉनिटर रेजुलेशन जितना अधिक हो उतना अच्छा माना जाता है, उतना ज़्यादा हमें डेटा नज़र आएगा, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, जितनी रेजुलेशन ज़्यादा होगी उतने ही पिक्सल उसके अंदर ज़्यादा होगी, उतनी ही क्लियर स्क्रीन देगी दिखेगी, जैसे HD में ज़्यादा पिक्सल होते हैं इसलिए स्क्रीन हमें ज़्यादा साफ दिखाई देती है। इन सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग डिवाइस जो यूज़ की जाती है वो माउस ही यूज़ करते हैं, इसका माउस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माउस के दो मानक बटनों के बीच जो व्हील बटन होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो माउस पे जो व्हील बटन है उसका प्रयोग स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाइज डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है और कंप्यूटर समझ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इस डेटा को डाल सकते हैं और समझ सकते हैं, तो स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर होता है कि स्पीक करके वॉइस को डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जब
जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को, तो इसका क्या हो जाएगा, सूचना को डिजिटल करना होगा, तो इसका सी होगा, डिजिटल सूचना को समझता है तो उसको स्कैन करके हम डिजिटलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो कंप्यूटरों में प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर यूज़ किया जाता है, तो इसका ई करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, हाजिर होंगे फिर न्यू वीडियो के साथ, तो टेक केयर, बाय।